अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय टू डेज व्लॉग। आज संडे और जनाब कल आपको व्लॉग मिलना है, लेकिन आज जो मैंने सबसे पहले करना है, ईद सर पे और मेरे हाथ ना बहुत गंदे रिएक्ट कर रहे हैं। मेरा मैनीक्योर होने वाला है, मेरे नेल्स की कटिंग होने वाली है। मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है आप जिस तरीके से अपने नेल्स की, अभी तो ये ख़राब हो गई, ठीक है। वन वीक पहले जो मैंने आपके साथ अपना मैनीक्योर शेयर किया था, उसके अंदर मैंने नेल्स की कटिंग की थी, लेकिन वो आपको दिखा नहीं सकी थी। तो मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते थे आप जैसे नेल्स काटती हैं, क्योंकि नेल्स की जिस तरह से कटिंग हुई होती है ना, वो आपके हाथों पर बहुत इफेक्ट करती है। तो मैनीक्योर करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग अपना बेसिक काम करेंगे वेट लॉस का, ठीक है। मैंने गर्म पानी कर लिया। आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों वेट लॉस जर्नी कर रहे हो कि छोड़ दी है, और जनाब आपका वेट कितना है इस टाइम। मेरा जो है ना, हमने जो उस दिन टेस्ट किया था 68 है, और 65 पे जाना है। मेरे ट्रेनर ने मुझे बड़ी सख्ती से बोला, मैं सॉरी 100 की उठी हूँ तो मेरी आईज इसलिए स्वेल है। मुझे एक और कमेंट आया था कि आपकी ना आईज हर वीडियो में स्वेल आती हैं, तो इट्स थकावट। रात को सोते हुए भी मोबाइल देख देख के एडिट कर थंबनेल्स बनाने, उनके टाइटल्स लिखने, बहुत ज़्यादा एडिटिंग करनी पड़ती है आपको, बहुत ज़्यादा मोबाइल पे काम करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है कि मेरी आईज़ अब देखो कैसे स्वेल स्वेल सी, नीचे से भी ऊपर से भी हर तरफ से स्वेल नज़र आती हैं। तो सुबह उठते ही फिर मोबाइल के साथ जुट जाओ, और फिर अब ये उठ के आए हैं तो फिर यहाँ पर वीडियो बनाना स्टार्ट किया, तो बस यही चल रहा है। अच्छा, तो वेट लॉस में ना 65 पे मैंने जाना है, तो मेरे पास अभी ना 20-30 डेज हैं। तो आप लोगों का वेट कितना है आप लोग मुझे नीचे लिख के बताओ। डाइट कर रहे हो कि नहीं, मैंने आपके लिए आपके साथ डाइट्स की बहुत सारे टिप्स फॉलो की थी, ठीक है। ये लेमन और ये शहद वाला गर्म पानी सुबह के टाइम आपने पीना, मैं इतना ज़्यादा पीती हूँ, आप लोग थोड़ा भी पी सकते हैं, बस मुझे अच्छा लगता है पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करना। और तुखमलंगे वाला पानी की बोतल पिया करो, ठीक है। और खाने में पोर्शन कंट्रोल करना है, कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स डेयरी सारा कुछ लेना है, लेकिन सबका पोर्शन बहुत ज़्यादा कंट्रोल करके लेना है, ठीक है। फ्रूट्स ज़रूर इनटेक करने हैं, पहले मैं इसको पी लूँ फटाफट से। अच्छा, सबसे पहले ना आप लोग मुझे ये बताओ कि आपका वेट है कितना और आपका टारगेट क्या है। लाइक मेरा ना अफान के बाद 75 हो गया था, और मेरा टारगेट ये था कि मैं 60 पे किसी तरह चली जाऊं, लेकिन 3 सालों से 75 से 72 तक 3 तक मैं आई थी, और फिर 74 चली जाती थी, मिनट मिनट बाद भाग भाग के 74 जाती थी। इतने मुश्किलों से मैंने थोड़ा सा दिमाग लगा के, बहुत ज़्यादा मेहनत करके, ट्रेनर की डांट सुन के अभी मैं 68 पर आ गई हूँ, लेकिन अभी भी मेरा टारगेट है 60 पर जाकर उसको मेंटेन रखना। क्योंकि हम लोग जब वेट लॉस करते हैं उसके बाद हम दोबारा दबड़ दबड़ हम कहते हैं जी कम हो गया, वो वापस चला जाता है। इसके लिए ना ये अपने बेल्ट बैली, अगर आप लोग अपने बैली से तांगो, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ठीक है, मेरी आवाज़ सही आ रही है, आप लोगों ने अपना बैली फ्लैट करना चाहते हो, ये जो बच्चों के बाद स्पेशली हमारा आ जाता है, इसको फ्लैट करना चाहते हो, और हर तरह का टोटका करके देख लिया, ये जो अजीब अजीब कावे लिखे होते हैं, कावा पिए तो ये चला जाएगा, ये करें तो वो, कुछ भी नहीं होता, सीरियसली कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे लगता था शायद इस बेल्ट से भी कुछ ना होता हो, लेकिन मैंने भी जब इसको यूज़ किया, मुझे आई थिंक अब 1 से 1.5 माह तो हो गया इसको यूज़ करते हुए ना, और एक प्रॉपर विजिबल फ़र्क नज़र आता है अगर आप लोग मुझे डेली बेस पर मेरे ड्रेसेज वगैरह में देखती हो कपड़ों में। इसके अलावा मैंने अभी रिसेंटली अपने एक जिम पार्टनर है, मेरी फ्रेंड भी है, उनको मंगवा के दिया दराज से। इस वीडियो के नीचे मैं ज़रूर ज़रूर इस बेल्ट का लिंक लगाने वाली हूँ, ठीक है। और मैं जनाब दिमाग में कीड़ा आ गया था, चुल्ल हो रही थी, तो मैंने ना एक इम्पोर्टेड बाहर की एक बेल्ट मंगवाई है, लेकिन उसका मैं रिव्यू मेन चैनल पर करूंगी और आपको बताऊंगी कि वो कैसी आई है और कितने की आई है और कितने दिनों में आई है, सारा बताऊंगी। तो हाइपर एक्टिव रहा करो मेरी वीडियोस पे, मैं इतनी मेहनत करती हूँ आप लोगों के साथ, अपने सारे सीक्रेट शेयर करी जाती हूँ। अच्छा, ये बेल्ट ना आप लोगों ने जिम के टाइम, दिन में अब 2 से 3 घंटे इसको लगाना है, गर्मी में बहुत मुश्किल है, लेकिन कोई भी चीज़ मुश्किल या नामुमकिन ही आप ना अपने, मैं तो जैसे क्या बोलते हैं, है नाम ही नहीं आएगा, आ गया नाम घंटा सोचने के बाद, हाई वेस्टेड, ठीक है। मैं हाई वेस्टेड अपनी लेगिंग्स या अपने वो टाइट्स जो पहनती हूँ जिम के लिए, तो उसके क्योंकि ये स्किन पे ना आपको ये चुभेगी, ये स्किन पे बहुत ज़्यादा गर्मियों में रैश करती है, तो आप लोन के कपड़ों के ऊपर कुछ भी ठहर में आपको लगा के भी दिखाती है दुपट्टे, और मेरा दुपट्टा फटेगा इससे। इसके साथ जो मैजिक है ना आप लोगों ने, ये ना स्ट्रेचेबल है, एक ही साइज़ में आती है दराज पर, ये 1300 मैंने टोटल 1450 दिए थे डिलीवरी डालकर, तो 1450 में अगर आपका बेली अंदर चला जाता है तो आपको और क्या, ऐसे सांस अंदर की तरफ खींच के आपने इसको ऐसे स्ट्रेच करके तो ऐसा जोर से लगाना है, लेकिन अभी आपने एक बार सब्र करना है। इसके साथ ना ये सपोर्ट वाले ये दो और आते हैं, इसको पकड़ के दोबारा ऐसे करना है, क्या सपोर्ट मिलती है, क्या बेली अंदर चला जाता है। और सच्ची में एक्सरसाइज जिम करते हो, एक्सरसाइज करते हो घर, अब आपने इसको लगा के रखने, ठीक है, और आप लोग विजिबल फर्क देखोगे, आपका ना जो लटका हुआ सारा बेली होता है ना वो एकदम स्ट्रेच सा हो जाता है। और ये इसके साथ साथ थोड़ा वर्कआउट कर लो, 70% डाइट है, 30% एक्सरसाइज है, डाइट इज मस्ट। डाइट में ये नहीं है कि सख्त वाला कोई प्लान ले लेना है आपने, नहीं,
सब कुछ खाओ सब कुछ, लेकिन उनके पोर्शंस कंट्रोल तरीन कर लेने हैं। फ्रूट्स इनटेक करो, पानी ज़्यादा से ज़्यादा इनटेक करो, सुबह वाला गर्म पानी पियो, तुख मलंगे वाला पानी पियो, बाकी सारा दिन बस कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से लेस खाने हैं, रोटी चावल थोड़े से कम खाने हैं, हफ्ते में 3 दिन खा लो ठीक है, हर रोज नहीं खाओ, प्रोटीन ज़्यादा लो, डेयरी दूध शेक्स थोड़ा थोड़ा लेते रहो, नट्स लेते रहो, आपकी एक्ट हेल्दी रहो ठीक है बस, और साथ ये लगाते रहो वॉक, वॉक ज़रूर करनी है, या जिम कर लो या वॉक कर लो, 30 मिनट्स की वॉक है डेली, मॉर्निंग में करो नाइट में करो, लेकिन ब्रिस्क वॉक करनी है, स्लो 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 नहीं चलेगी, तेज 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 आपका सांस आउट ऑफ कंट्रोल हो, थोड़ा सा जॉगिंग कर लो, फिर आप देखना मेरे से भी ज्यादा पतले हो जाओगे, अगर आप सारे दुआ करना मैं जल्दी जल्दी 65 पे चली जाऊँ ठीक है। अभी बहुत सारी बातें हो गई हैं लगता है, अब जल्दी से ना काम करते हैं, मैंने बच्चों के लिए सबसे पहले नंबर पर नाश्ता बनाना है, और आज संडे है, पूरा घर मैस है, बच्चों को रेडी करना है, हाँ मैनीक्योर करना है, इसकी वीडियो को मेन चैनल पर मिलेगी। जाते जाते एक और बात याद आ गया, सारे जमाने की अपडेट्स आपके साथ शेयर कर दूँ, मैं जो शेयर यूज़ करी ना गार्नियर का सीरम, मैं लेकर आती हूँ, ये चेक करें, ये वाला जो सीरम 1000 रुपीज़ का मुझे आया था, 3 दिन हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए, स्किन में शाइन, स्किन टेक्सचर तो इम्प्रूव हुआ, लेकिन फिर भी इसका डिटेल रिव्यू आपके साथ शेयर करूंगी, जिस स्पीड से जितना ज़्यादा सीरम मैं यूज़ करती हूँ ना, एक हफ्ते में मेरा ये ख़त्म हो जाना है, और 1000 रुपया एक हफ्ते के हिसाब से बहुत ज़्यादा महंगा बढ़ रहा है। मुझे मैंने इंस्टाग्राम पर स्टोरी भी लगाई थी, बहुत सारे लोगों को इसका बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, बहुत सारे लोगों को ये ख़राब रिजल्ट मिले, किसी को कोई इससे फ़र्क नहीं पड़ा, तो आप लोग मेरे रिव्यू का ज़रूर वेट कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पे नाश्ता बनने लगा है, मैंने आपके साथ जो शेयर किया था, मैंने अपनी सब्जियाँ सारी कटिंग करके रखी हैं, थोड़ी थोड़ी सी बस एक दफ़ा ऑमलेट की और रह गई हैं, आज भी मैं थोड़ा डिफरेंट बनाती हूँ इनके साथ, ऑमलेट बना के ना और ब्रेड के अंदर सैंडविच टाइप बनाते हैं, मसाले हम इसमें डाल लेते हैं, यार इन बॉक्सेस से मुझे इतना फ़ायदा हुआ है, नहीं तो मुझे एक टाइम पर 3-3, 4-4 बॉक्सेस खोलने पड़ते थे, अब एक ही खोलो, इतने क्यूटू भी लगते हैं, मेरा कबर्ड भी बिल्कुल साफ़ है, और $1 पर ये सारे ख़त्म हो गए, अब दोबारा तो नहीं आए हुए, लेकिन ये बड़े मज़े की चीज़ मिल गई थी, 250 में नॉट बैड है ना। अच्छा मैंने मसाले डाल लिए बस, ओके इसके बाद मेरा दिल है कि इन सबको ना एक बॉक्स में कर देते हैं, क्योंकि एक ही टाइम पे ये बन जाएगा। अच्छा मैंने यहाँ पे अंडे इसमें डाल लिए हैं, और घी मैं देसी घी यूज़ करती हूँ ठीक है, डाइट में आप लोग देसी घी कर सकते हो, मैं सिर्फ नाश्ते में ही करती हूँ अपने ऑमलेट वगैरह के लिए, वैसे आपको ज़्यादा फैट नहीं टेक करना। हमने तवे पर डाल लिए, इसको बना लेते हैं, मैं एक हाथ से ना, गर्मी इतनी ज़्यादा, मैंने दुपट्टा शपट्टा उतार दिया, मेरा तो सांस बंद हो जाता है किचन में ना, बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला बिस्मिल्ला, आधा आधा करके बना लेते हैं, बिस्मिल्लाह इज़ मस्त। और मैंने जब देसी घी की रेसिपी शेयर की थी ना, आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए थे, सबके तरीके ठीक हैं, लेकिन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था ना, एक्चुअली मेरा उस पर ना हाथ बैठ गया, और मुझे इस तरीके से ये अब सबसे ज़्यादा इजी लगता है, तो मैं फिर अब यही कैरी करती हूँ। अच्छा जी, बस कुछ इस तरीके से ऑमलेट बना लेना ठीक है, और ना मैंने ना, आप लोग इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हो कि आपकी आपकी कुकिंग हमें बहुत अच्छी लगती है, मुझे इतनी शर्म आती है, क्योंकि मैं कुकिंग में इतनी प्रो नहीं हूँ, वेरी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन मेरा हाथ में टेस्ट है, अच्छा है, प्रो नहीं हूँ ना तो मैं इतनी नकम्मी भी नहीं हूँ ठीक है, मुझे शौक है, मैं हर काम बहुत ज़्यादा शौक से करती हूँ, और मेरे हाथ में अल्लाह का शुक्र है, गॉड गिफ्टेड टेस्ट है, लाइक मेरी मामा की वजह से शायद, लेकिन मेरे मामा ने मुझे कुकिंग सिखाई नहीं कभी ज़िंदगी, शादी से पहले तो कभी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन उनके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, बहुत ही नेक्स्ट लेवल उनके हाथ में ना खाने का टेस्ट है, शायद उस वजह से इनहेरिट है। तो यहाँ पे जनाब हम इसको उल्टा पुल्टा कर लेते हैं, 3 सॉसेजेस मेरे, सिनान के, रफान के, ये भी साथ ही मैंने बनाने रख दिए, आज ना हम दूसरी तरह का बनाएंगे, हम वो वाले थक गए हैं खा खा कर। अच्छा जी, सैंडविच बनाने तो मुझे लगता है दुनिया के नकमे से नकमे बंदे को भी आता ही होगा, बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा फेवरेट लगते हैं, फटाफट ही खा लेते हैं, बस बच्चों के लिए सैंडविच बन गए हैं, आओ 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 गर्म गर्म, बिस्मिल्लाह, चलें जी, डन 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 डन, बच्चों की प्लेट्स रेडी हो गई हैं, बस मान की और मेरी रह गई हैं, बस मैं ना 2 ही ब्रेड खाऊंगी, अच्छा 2 ब्रेड ना ये कार्बोहाइड्रेट है, आप खा सकते हो, 35 ग्राम्स ईच ब्रेड है, तो 70 ग्राम्स हो जाएगी ठीक है, आधी रोटी के बराबर ठीक है, तो वैसे मैं खाती नहीं हूँ यूजली, बहुत कम खाती हूँ ठीक है, लेकिन खा लेते हैं आज। ओके जी गाइस, सुबह का नाश्ता वाश्ता करके जनाब मैं बहुत सारा मैंने वीडियोस अपलोड की थी मेन चैनल पर, जैनब नुमान ऑफिशियल पर और ब्लॉग चैनल पर, उसके बाद जनाब बच्चों को रेडी किया, बच्चे जो अम्मी अबू के घर चले गए थे अम्मी को मिलने, और अभी मैं जनाब वीडियो शूट कर रही थी, मेरा ना बहुत ही रफ हैंड हो रहे थे, और मैंने मैंने सुबह शायद आपको बताया था कि मैंने आज मैनीक्योर करना है, मेरे हाथ तो जनाब हो गए एकदम से फ्रेश, मैंने क्रीम बनाई है DIY ठीक है, ईद तक आपने इसको डेली बेस पर यूज़ करना है, तो आपके हाथ एकदम से गोरे चिट्टे नरम मुलायम मज़ेदार हो जाएंगे, आप लोगों ने जैनब नुमान ऑफिशियल पर इसका वीडियो लगाऊंगी ठीक है, वो ज़रूर चेकआउट कर लेना। अभी मेरा दिल कर रहा था कि मैं लाइव चली जाती हूँ, लाइव आप लोगों को मेरा बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, थोड़ा सा टाइम है मेरे पास, अभी हम ना लाइव पहले कर लेते हैं, इसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा चीज़ें समेटनी हैं, थोड़ा सा मैस क्लीन करना है, और आज जनाब मैं ना
नहीं लगाने, मैं अपने पार्सल सेंड करने नहीं गई, मेरे पास दो एड्रेस आ गए हैं दो विनर्स के, ठीक है, तो कल जाऊंगी, ठीक है, आज संडे और वो बंद होगी शॉप, तो कल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग सारों का बहुत ढेर सारा शुक्रिया जनाब मुझे सपोर्ट करने के लिए, दिल छोटा मत किया करो, सब लोग इंशाल्लाह सब लोग हाइपर एक्टिव रहो, सपोर्ट वो करते रहो, क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करते रहो, इंशाल्लाह विनर्स ऑफ एक ही चूज मैंने एक वीडियो के नीचे से करना होता है, लेकिन मैंने आपको बताया कि गिव अवेज आते रहेंगे, ये अब कभी भी खत्म नहीं होंगे, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए मजे मजे के प्रोडक्ट्स लाती होंगी। मुझे लग रहा है मेरी मांग टेढ़ी थी, है ना, मुंह टेढ़ा टेढ़ा लग रहा है। अच्छा पहले मैं लाइव कर लेती हूँ और बच्चों के काम चला जनाब। मेरे सामने ये फान अपने सारे खिलौने मेरे सर पे खिला के बैठते हैं, ये तो अंदर जाता ही ना, मामा के साथ रहता है। ओके जी, तो आज मेरा यहाँ का सारा मेस बैठने वाली हूँ। लेंस ना आप लोगों ने आई बैंक पेज से ले लेने हैं, ठीक है, आई बैंक पेज के बहुत ज्यादा अच्छे हैं ये, मैंने आंखों में लगाए हैं, देखो कितने प्रिटे लग रहे हैं, बड़े कंफर्टेबल से हैं। सारी मैंने ना यहाँ का समेटने हैं चीजें, पहले उतार के नीचे रखते हैं। अफान अबान सिनान, अफान सिनान क्या कर रहे हो यार आप लोग, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? मैं व्लॉग बना रही हूँ, लाइव अब नहीं है, अब लाइव नहीं है, जान लाइव है। ये मैंने डी आई वाई हैंड क्रीम बनाई है, मैंने जो अपनी डी आई वाई चीजें बनाई है ना, हम अफान चुप, वीडियो बनाऊंगी, फिर क्या कही जा रहे थे हम, क्या कही जा रहे थे हम, पहले लाइव कराई, मैं आप लोगों को ना हेयर सीरम जो मैंने डी आई वाई बनाया था अफान सिनान के बालों के लिए स्पेशल, सिनान साहब ने फिर भी नहीं लगाना, सिनान को पता ही नहीं चलता। और उधर वो छोटे के काम चेक करें, छोटे के काम को इंसान चेक कर, किधर चढ़ रहा है, चोरी कर रहा है, चार, 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 इधर आओ, इधर आओ, ऐसे नहीं बोलते बेबी, चीजें गिर जाएंगे सारे, इधर सिनान, इधर आओ सिनान, इधर आओ यार, इसके बाल थोड़े से मैसी होते हैं, तो मैंने इसलिए स्पेशली बनाया था कि आप यूज करके कंघी किया करो, ये जो हर वक्त दोनों उस तरफ को करते हो, मुझे तो पता ही नहीं है बात। अच्छा वैसे मेरी बात सुनो, अगर आप फ्रंट पे रखो ऐसे सामने, जब इसने बड़े लड़के होना है ना, इसने ऐसा फैशन करना है, मैं आप लोगों को बताती हूँ, मुझे अभी से पता लग गया, मेरा तो दिल करता है यार मेरा बेटा तो रज के फैशन करे, मैं तो इन्हें मना नहीं करने वाली, मैं तो इन्हें सपोर्ट करने वाली, बेटियाँ तो मेरी है नहीं, बेटों को तो सपोर्ट करूंगी ना, आप भी करो। अभी इसकी कटिंग होने वाली, थोड़ी सी नीट होना ही है, खैर लड़कों ने इस तरह की वीडियो बाल रखे होते हैं। पहले तो ऐसे करते हैं, ये क्या बना रहे, ये आपको सूट कर रहा है, नहीं कर रहा, आपको अच्छा नहीं लग रहा, अच्छे लग रहे हैं वो, उससे तो बेहतर लग रहे हैं वो जो आपने ऐसे अजीब सा घोंसला सा साइडों पे बनाया था, मैनेज नहीं करके रखते, दूर से जाओ, नीचे आओ, पीछे आओ, करीब से पता नहीं लग रहा, दूर से आओ, ओहो इधर आओ, इधर इधर आओ, नॉट बैड, अब आपका भी करूँ, कैसे उधर को करते हैं, देखो अरे उल्टी साइड को, उधर पीछे टॉप, अच्छा पीछे टॉप, मैं भी पीछे टॉप ना, अफान अफान चेयर से गिर ना जाना, दानी ये लेंगे, ये इसका सोना शबूथा, वो ने बाल अच्छे लग रहे थे, मुझे तो अच्छा लग रहा थे, आप इधर आओ, आप इधर वो करो, एक्सपेरिमेंट, कौन सा एक्सपेरिमेंट करने लगा, नो डोंट, हम फ्रीजी को तोड़ेगा, किसको, क्यों पागल हो गए, इधर देखो, नहीं ना हम तोड़ेगा, चलो जी कंघियां पटियां हो गई हैं, चलो तेरा मामा को काम करने दो, अब यहाँ से चलो भागो 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 यार, ये सारा कुछ मैंने भी समेटना है यहाँ से, जो मैंने जितने डी आर वाइज बनाए मैंने, जिनको मैं डेली बेस पे यूज करती हूँ, रोज बटर रिवाज का मैं नया लेकर आई हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है ये वाला यूज कर रही हूँ आजकल, ये गिव अवे है जनाब, ऑलमोस्ट ये वाला गिव अवे मैंने अनाउंस कर दिया था, इनका मेरे पास एड्रेस भी आ गया, ईद आने वाली है, ईद के लिए जनाब मेहंदी स्टिकर्स का रिव्यू, किसको चाहिए, कहाँ से मिलेंगे, ये सारा मैं आपको मेहंदी लगा के भी दिखाऊंगी, क्योंकि अब मुझे किसी की मोहताजगी नहीं है, मैं किसी पहले जमाने में मुझे अच्छी लगानी आती थी, लेकिन मैं काफी टाइम से लगाना भूल गई हुई हूँ, तो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप खुद की मजेदार सस्ते में मेहंदी कैसे लगा सकते हो, या लड़का भी यहाँ से ऊपर चढ़ गया, छोटी कार यहाँ पे नहीं है, छोटी कार आपकी वहाँ एक उतरे, यहाँ से उतरे, अच्छा इसके अलावा ना मैं वसीम बादामी की एक परफ्यूम लेकर आई थी, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, बड़ी अच्छी खुशबू है, बेबी मेरी चीजें नहीं छेड़नी, नो मेरे दराज खोली जा रहा है ये लड़का, अफान नहीं करो यार, इसको अनबॉक्स कर लेते हैं, मैंने बड़े दिनों से इसको अनबॉक्स ही नहीं किया ना,
इसकी खुशबू बहुत अच्छी थी और प्राइस ये ना ऑफ पे लगी हुई थी, ऑफ पे ना 1350 की मुझे मिली थी तो मैंने ले ली। आहा, ये इसका नाम देख लें आप लोग क्या है, जील हिमानी फ्रेगरेंस जील, इस तरह से है ठीक है। ये बोतल है इसकी, मुझे ना स्ट्रॉन्ग यस बहुत मजे की लग रही है भाई, अभी हम लगा लेते हैं। इधर आओ, क्या करने लग गया मुझे ये बताओ, बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा मैंने ना एक और जो मैंने परफ्यूम ली थी ना, ये बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आ रहे थे, आपने कौन सी ली आप बता दें। तो ये वाली मैंने ना वनेंजा की एंजल ली है, ये अब उनके पास स्टॉक में नहीं है, कोई और लेने गया था तो वो कह रहा था उनके पास है ही नहीं, पता नहीं आउट ऑफ स्टॉक हो गई है, शायद मे बी ऑनलाइन मिल जाए। इट्स टू गुड, प्राइस इसकी 3300 है, लेकिन ये बहुत मज़े की है, इस पर ऑफ लगा हुआ था और ये भी अच्छी है, पर ये दिस इज वन नंबर नंबर वन। अच्छा बोनेंजा की एक और मस्क, ये जो यूनिसेक्स है ये सबसे बेस्ट है, ये बहुत अच्छी है ठीक है, ये लड़कों को लड़कियों को सबको चल जाएगी। इसके अलावा जनाब यहाँ पे मेरे पास ना ऑयली स्किन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं जो मैंने अपने लिए ख़रीदे थे और मैंने इनको यूज़ किया, मुझे बड़े अच्छे इनके रिजल्ट्स मिले थे मिले हैं बल्कि। और ये मैंने ना एक्नी ख़त्म करने के लिए स्पेशल, अभी तो देखो माशाल्लाह मेरी स्किन काफ़ी बेटर है, मेरी स्किन पर अब एक्नी का इतना सीरियस वाला सीवियर वाला इशू नहीं होता जी बेबी। तो ना ये दोनों, ये है इसका टोनर और जनाब ये है सीरम, ये भी हिमानी की है, नो एक्नी, ये बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है, आप लोग ज़रूर ट्राई आउट करना इनको ठीक है। ये टोनर बहुत अच्छा है और ये एक्नी जहाँ पे आपकी होना आपने उधर बना देना, ये फ़ौरन एक्नी को पील ऑफ कर देता है, आपकी स्किन को ना डेड स्किन को उतार देता है, बहुत अच्छा है ये वाला एक्नी का सीरम। मैं इनकी ज़रा डस्टिंग कर लेती हूँ। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड कर देते हैं, आप लोग मेन चैनल पे मैनीकेयर की वीडियो ज़रूर देख लेना, मेरे हाथ एकदम सॉफ्ट बहुत ही मज़े की हो गई हैं बिल्कुल घर की DIY के साथ, और मैंने जो क्रीम बनाई है ना वो भी बहुत ही हेल्पफुल रही है, मैंने रात का टाइम भी अप्लाई कर ली थी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को कल के व्लॉग में मिलूंगी। गर्मियों की छुट्टियाँ चल रही हैं और बाहर गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, ऐसा कोई घर नहीं, सारा रूटीन चल रही है, बाहर जाने का कोई सीन नहीं हो रहा होता। और आप लोग सुनाएं आपके दिन कैसे चल रहे हैं, बच्चों को छुट्टियाँ हो गई हैं या आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों की छुट्टियां हो गई हैं, तो बोरिंग डेज चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं और आप लोगों के क्या क्या प्लान्स हैं ईद के बाद, आप जनाब सबके क्या क्या प्लान्स हैं। ज़्यादातर छुट्टियों में यही होता है, पहले ज़माने में जब हम छोटे थे तो नानो घर चले जाओ, यहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। यहाँ पर ना मैं पोज पर पोज ही मारी जा रही हूँ क्योंकि मैंने एक थंबनेल लेना ये क्लिप मैंने ऐसे ही लगा ली, जो मैंने आई मेकअप किया था बहुत ही अच्छा और फ्रेश सा लग रहा था। अब बस आज का व्लॉग हम यहीं पे एंड कर देते हैं और ये क्रीम मैं फिर दिखा रही हूँ, क्रीम के साथ थंबनेल हो रही है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइज़।